कॉपी नहीं हो सकता उसकी बात की गई थी, और जो इसमें उनका सिग्नेचर या जो कोटेड मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा उसके बारे में कुछ बात की गई थी कि आप उसकी पोजिशन को मेजर कर लीजिए, उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लीजिए, उसकी फिट को मेजर कर लीजिए, तो बहुत सी आपको बता सकते हैं। एक रियल को टच करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसमें से कोई भी कंटामिनेशन वगैरह नहीं करता, इसमें मटेरियल को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, मटेरियल के बारे में बहुत कुछ आपको अगर टूटना फूटना हुआ ना हो ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा जो मटेरियल था उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फास्ट था, लाइट की वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसके जो डाटा रिक्वायरमेंट सिस्टम है वो 20 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में होते हैं, क्या ये कह सकते हैं बहुत फास्ट। कुल मिलाकर के ये एक एडवांटेज स्टेपिंग थी, और समय आने पर आप थोड़ा आगे हम लौटेंगे कि जो एफिशिएंसी या रैपिडनेस है या फास्टनेस है या जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को अवॉइड करने का तरीका है वो है इस तरह से बहुत सही तरीके हो सकते हैं। आपके पास कोई स्टडी करते हैं आपको दिन दिन बदल जाता है, महीनों लग जाता है, सालों लग जाता है, ये बहुत जल्दी यानी मान लीजिए यहाँ से आकाश के बीच में आपको जाना आना हो घोड़ा गाड़ी करें बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रैक्शन आप सेकंड में आप कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सन के अंदर जो भी रेडिएशन बनता है उससे वो 2 मिनट के अंदर पृथ्वी पर आ जाता है, यानी आप 2 मिनट में यहाँ से सन की दूरी तय कर सकते हैं। अगर इतना फास्टर ट्रैफिक या कोई चीज़ हो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो तो बहुत सी चीज़ें हम बचा सकते हैं। रिकॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो जाए जाम ना लगे गाड़ियाँ ठीक हों तो शायद बहुत कुछ एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है या जो एयर से संबंधित डिसीजेज हैं कम से कम उनसे बचा जा सकता है। तो बहुत सा पैसा जो हेल्थ सेक्टर में बहुत से लोग जो बीमार होते काम नहीं कर पाते या तमाम बूढ़े लोग जिनको खांसी से लेकर ब्रोंकाइटिस टीबी से लेकर कमर जैसी तमाम बीमारियाँ इरीटेशन जैसी तमाम चीज़ें होती हैं उनसे बचा जा सकता है। बहुत से स्किन डिसीजेज होते हैं इस एयर या हवा की वजह से, बहुत से नए तरह के वायरस जनरेट होते हैं, सारी कोई हमारे पास स्पीडी ट्रैफिक यानी स्पीडी ट्रैफिक का मतलब जो प्रोसेस है वो स्पीडी होना चाहिए। अभी बहुत समय लगता है, 2-2, 4-4 घंटे लोग खाना पकाते रहते हैं या कहीं कहीं पर इससे भी ज़्यादा समय लगता है। अगर मान लीजिए कोई किसी को स्टैंडर्ड करिए 1 मिनट में उनको कुछ बनाना है तो 2 मिनट में मैगी के अलावा कुछ आपके पास चाह रहा है या कोई ऐसा खाना बनाने के अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हम तमाम प्रोसेसेस को फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड यानी 8 सेकंड 10^-15 सेकंड में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसकी कुछ बेसिक्स जो छोटी सी कोर्स में थी आपकी वो बात की गई, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन की कोर्स में बात है, कुछ बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो आगे चल करके हैं आपने देखा था, वेवलेंथ सेपरेटिंग डिवाइस थी एक ऐसी, अभी बात की जा रही थी प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में जो कुछ था दूसरा पार्ट था जिसमें से हमने बात की थी कि वेवलेंथ सेपरेटिंग डिवाइस होना चाहिए। वेवलेंथ सेपरेटिंग डिवाइस आपने जो पढ़ा थी हो सकती है वो ग्रेटिंग हो सकती है, वो कोई इंटरफर बेस्ड इक्विपमेंट इंटरफेरोमीटर या फैब्रिक पेराट या फिर कुछ और भी आगे एलजी प्लेट या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई पार्ट की भी फोर गोइंग थ्रू इन द वेरी डिटेल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन, थोड़ी सी एक और उनको नाम लेने की जरूरत पड़ेगी जो ज़्यादातर नाम आप जानते हैं लेकिन उनके उनकी नदी कितनी है उनका रैंक कितना है कैसे करेंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों को आता है थोड़ी सी देर में बात करेंगे वेव क्या है, वेव इज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ये एक डिस्टर्बेंस है यानी किसी चीज़ को नॉर्मल पोजिशन से फोर्स लगा के डिस्टर्ब कर दे, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बाई विच वन कैन ट्रांसपोर्ट Energy and momentum from one place to another place. Momentum from one place, one body or one place to another place. एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज को एक जगह से दूसरी
का काम होता है उसको दब करना। आपने कार में कोई सामान रखा है, एक जगह से दूसरी जगह रख दिया ट्रांसपोर्ट का, ट्रक में एक सामान एक जगह से रखा दूसरी जगह पहुंचा दिया, ये ट्रांसपोर्ट था। यानी सामान में कोई परिवर्तन ना हो और कोई हमारे पास कैरियर ऐसा हो जिसको हम यहाँ से वहाँ पहुँचा दें, तो ये प्रोसेस जो होगा वो कहलाता है वे भी जो कहीं का प्रोसेस। वे भी एक ऐसा प्रोसेस है जो इनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपल है कि अगर एनर्जी एक बॉडी में है, एक ऑब्जेक्ट में है, एक फूडी आइटम में है और उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो दिस इज़ द प्रोसेस कि पेट से आपको मस्तिष्क में ले जाना है, मस्तिष्क से पैर में ले जाना है, पैर से कहीं और किसी पार्ट में ले जाना है। तो प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, ये वेव होगी, दैट इज सिंपल। ये एनर्जी और मोमेंटम बेसिक पार्टिकल में भी हो सकते हैं, नॉन बेसिक पार्टिकल में हो सकते हैं, साइजलेस पार्टिकल हो सकता है उसमें भी एनर्जी और मोमेंटम हो सकता है, जैसे तमाम आपने देखे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन साइजलेस पार्टिकल में, इनमें एनर्जी भी होती है मोमेंटम भी होता है। ऐसे भी हो सकते हैं जो साइजलेस के बजाय मासलेस पार्टिकल हों, फोटॉन का नाम आपने सुना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आगे चल के इलेक्ट्रॉन बहुत से पार्टिकल मिलेंगे आपको जिनमें मास नहीं होता लेकिन टोटल एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल वायरस में एक तरीके से मास नहीं है लेकिन एनर्जी इतनी है कि आपके बारे में आपकी तमाम गतिविधियों को वो बदल सकता है, उसको चेंज करने की क्षमता होती है, आपको स्लो कर सकता है, आपको लो कर सकता है, आपको बिल्कुल से दराशाही कर सकता है, आपके मोशन को जीरो कर सकता है, यानी आपके मोमेंटम को ख़त्म कर सकता है। तो मासलेस पार्टिकल हो या मैसिव पार्टिकल हो, नॉर्मली मैकेनिक्स में मैसिव पार्टिकल की बात करते हैं तो साइज एंड मास होता है। डिस्क्राइब करने का तरीका मैकेनिक्स जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है जो दिखाई पड़ती है उसके चलने फिरने से जो भी काम हो सकता है नहीं होता है, यानी रिलेटिव मोशंस की वजह से जो भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं उसकी स्टडी मैकेनिक्स कहलाती है। तो मैकेनिक्स में जो अपेरेंट वर्ल्ड है फिजिकल वर्ल्ड है उसमें दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, एक है साइज दूसरा है मास। यानी जब भी कभी बात करते हैं तो साइज की बात करते हैं, पार्टिकल एक तरीके से साइज नहीं है लेकिन जब बॉडी की बात करते हैं तो उसमें साइज हो जाता है, स्मॉल और साइज बॉडी हो सकती है और बहुत भाई हैवी साइज या लार्जर साइज या ग्रेटर साइज की बॉडी हो सकती है, सन या प्लैनेट इनके साइज बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी हेवनली बॉडी कहलाती हैं, आकाश में रखी हुई तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर अर्थ सिस्टम की बात करें तो एज स्मॉल एज सैंड पार्टिकल से लेकर के डस्ट पार्टिकल से लेकर के, और हमारे पास बड़े बड़े पेड़ भी हैं जो 300 मीटर के हो सकते हैं, 200 मीटर के हो सकते हैं, 100 मीटर के हो सकते हैं, 10 मीटर के। तो एज स्मॉल है एक स्मॉल पार्टिकल था, एज लार्ज है एक पार्टिकल था, एक बॉडी थी, इन सब में से साइज और मास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब सबएटॉमिक वर्ल्ड में चलते हैं, ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटम वर्ल्ड में चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चलते हैं, तो वहाँ पर साइज हमारे लिए मैटर, आपके विचारों का साइज क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, कितने पावरफुल हैं, कितने एनर्जेटिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके विचार बहुत लंबे चौड़े हों, उनको समझने में किसी को जिंदगी भर लग जाए, हो सकता है आपके विचार इतने छोटे हों कि महात्मा जी की लेक्चर की तरह एक दो मिनट में कोई छोड़छाड़ कर बनाकर माया मोह की बात करते हैं, एक घंटा लेक्चर सुना उसके बाद कहता है आज की बात से खत्म। या हो सकता है आपके विचार इतने अच्छे हों कि लोग कहते हैं चलो इनको ठोकना है, ठोकना शुरू कर देते हैं, आप देखते हैं ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो ये विचारों की लंबाई चौड़ाई थी लेकिन मास नहीं था इनमें, इनको डिस्क्राइब करने वाली जो चीज़ें थी वो केवल एनर्जी थी, कितनी पावरफुल वे में आप अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो एनर्जी और मोमेंटम में दोनों अभी तरह के पार्टिकल हैं, यानी साइजलेस भी हो सकते हो और साइजेबल भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड एनर्जी और मोमेंटम। तो अगर एनर्जी एक जगह से या मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है, वो है वेव। यानी वेव क्या करेगी, आपकी एनर्जी को दूसरे तक ले जा सकती है, आपके विचारों में जो भी एनर्जी है वो दूसरे को कुछ फायदा कर सकती है, नुकसान कर सकती है, या जो भी कुछ एनर्जी से करना चाहते हैं जिस तरह की एनर्जी देते हैं सिस्टम को, क्योंकि किसी चीज़ पर एनर्जी देंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, आत्मशक्ति बढ़ जाए उसकी, हो सकता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है दोनों में से कोई एक हो, जिस तरह की बहुत सी संभावनाएँ आपने देखी किस तरह की एनर्जी दी। तो वे भी ये कैरियर ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है जिससे एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह, दी वर्ल्ड इज फुल ऑफ इट, दुनिया में तरंगे निकलते हैं, दी वर्ल्ड इज फुल ऑफ इट, फुल ऑफ इट। ये एक मेथडोलॉजी थी और उसमें बात करनी थी कि मान लीजिए कि आपको भगवान से एनर्जी मिली है,
प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना से हमको क्या चाहिए तो कुछ तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। सर तमाम प्रेयर्स होती हैं, आपने स्कूलों में पढ़ी हो, उस कहते हैं भगवान उनको बुद्धि उद्धि सब दे दीजिए, तमाम तरह की प्रेयर्स आपने स्कूलों से पढ़ी होगी, सभी को पढ़ाई जाती थी या कराई जाती रही होगी, थोड़ा बड़े हो गए तो नहीं करते होंगे प्रेयर, लेकिन पूजा करते हैं उसकी जगह। तो देखिए पूजा में भगवान को अगर एनर्जी देनी है अपनी तो साउंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूध 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 करते हैं, चाहे वो सुनाई पड़े चाहे न सुनाई पड़े, मांगते हैं या कुछ कमिटमेंट करते हैं कि आज के बाद से ऐसा कन्फेस करते हैं लोग कि हम नहीं करेंगे, या आज की बार भगवान पास करा दो अगली बार नहीं करेंगे, हम भगवान को पकड़ करके वो गिलास में भी दीप करते हैं, हे भगवान दो दूध को नहीं तो तुमको काम होगा लगा हो पेड़ में तो क्या करते हैं डाली को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकली भगवान को नहीं दूर रहते हैं, वेव का तरीका ढूंढते हैं, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, घी का अगरबत्ती जलाते हैं, सब ये रेडिएशन मैटर का रेडिएशन भी एक तरह की वेव की पॉजिटिव आगे चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी वेव से हम अपनी बात को लो एनर्जी को हाई एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करते हैं, और भगवान को भी जब देना होता है या तो फूल फेंक देते हैं ज़्यादा लाइट नहीं आती है, सपना आता है लोगों को कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया कि आज के बाद से तुम धर्म कर्म करो नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ये तमाम तरह के देखते हैं। तो ये क्या था, ये वेव थी, कुछ वेव थी कैसी आती है अभी वेव की लाइट की बात करेंगे, यानी आपको अगर भगवान से कुछ मांगना है तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा वेव भी होगी, अगर आप दीपक जला करके कैंडल जला के अगरबत्ती जला के नहीं करते तो फिर आपकी लाइट ट्रांसफर हो नहीं सकती, होने के लिए जरूरी है आपको और याद रखकर मंत्र लगाइए क्योंकि साउंड एनर्जी की एनर्जी है, यहाँ वेव की बात है साउंड एक वेव है, भगवान चर्चा से लेकर गायत्री चर्चा तक की जो भी लोगों की आरती गाना इसी का एक पार्ट है, यानी साउंड वेव ही कनेक्ट करती है जगह से दूसरी जगह, जो लोग कुछ नहीं करते ध्यान लगाते हैं केवल, सही हो सकता है न करें कुछ अकेले ध्यान लगाते हैं उनमें भी कोई वेव जनरेट होती है, वो माइंड से संबंधित होगी, सबकी कितनी एफिशिएंसी क्या है थोड़ी देर जाते हैं, यानी ये वेव जो है केवल ही दुनिया में एक से दूसरे कप के पास तक कनेक्ट नहीं करती, टेलीफोन से आपने बात किया व्हाट्सएप से बात किया व्हाट्सएप पर एक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं क्योंकि उसमें वेव नहीं थी, वेव थी ट्रांसफर करने के लिए थी मैसेज का, लेकिन उसके बाद जब पढ़ेंगे तब कोई वेव नहीं होगी, इसलिए व्हाट्सएप पढ़ते जरूरी नहीं कि आपको एनर्जी मिली है, लेकिन टेलीफोन में किसी से बात करके तो साउंड एनर्जी थी उसमें एनर्जी और मोमेंटम ये दो पैरामीटर थे मिलेगी जरूर, आपस में बात कर लेंगे तो मिलेगी जरूर, हो सकता है आप घूर घूर के किसी को देख के चुप्पे बिस्तर पे सो जाए एनर्जी नहीं मिली आपको क्योंकि वहाँ पर वेव का ट्रांसफर हुआ नहीं, तो वेव जब ट्रांसफर होगी तो एनर्जी और मोमेंटम मिलेगा, समाप्त है कैन बी सी उनमें से कुछ वेव्स को देख सकते लाइक वेव्स को आप देख सकते हैं, पानी में जो वेव्स होती वाटर वेव्स हैं या टाइडल टाइप की चीजें लहरें हैं सब उनमें देख सकते हैं, समाप्त है कैन बी सी समाप्त है समाप्त है कैन बी हर्ड ये साउंड वेव्स हैं जिनको आप जो है सुन सकते हैं हर्ड वाइल वाइल समाप्तम समाप्तम कैन बी सीन एंड हर्ड कैन बी सीन एंड हर्ड साइमल्टेनियसली ये वाटर वेव्स हैं, किसी नदी का कलर जो कह जाता है समुद्र का कलर यानी वेव जाती है झरना होता है वहाँ पर साउंड भी निकलती है और साथ में आप वेव्स ये बुलबुले बुलबुले इस तरह के देख भी सकते हैं, तो ये दोनों देख भी सकते हैं मेजॉरिटी आती है, तो कुछ थी आम की अदर है आम की अदर है दिखाई पड़ती
और जब लगती है तो पता नहीं लगता है कहाँ से लगी लेकिन लगनी बहुत तेज है। इस तरह के तमाम मीडियम्स ये कौन सी इनविजिबल वेव्स हैं, नॉन हर्डेबल वेव्स हैं जिनको उसको सुनाई नहीं पड़ती हैं। तो सम ऑफ देम कैन नॉट बी सीन नॉर हर्ड बट देयर हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि भूत प्रेत किसी दुनिया में आते हैं कि दिखाई नहीं पड़ते, सुनाई नहीं पड़ती, कि सब नुकसान किसी को काट देते हैं, किसी को परेशान करते हैं। भूतों को कभी भी किसी को मदद करते जल्दी से नहीं देखा। अमिताभ बच्चन भी भूत छोड़ देते हैं, जो भूत किया हो वो कर मदद करते हैं। बाकी जितने भी भूत होते हैं, भूत कहते ही उन्हें को है दूसरे को परेशान करें, राक्षस कहते ही उन्हें को है दूसरे को परेशान करें। ऐसा नहीं कि राक्षस कोई जो है प्रदर्शित करने के लिए किसी के पास आ रहे हो, अच्छा तुम आदमी हो और राक्षस से चलो आज मिल करके कुछ करते हैं। ये जो भूत है उन समय के उनको हार्मफुल इफेक्ट से देन टू हार्मफुल इफेक्ट सच है देयर हार्मफुल इफेक्ट सच है। ये इसमें से अर्थ बैंक एक अर्थक्वेक आप देखते हैं दिखाई पड़ता होते रहते हैं, दीवार फाड़ फाड़ करके जमीन हिलती मिलती है या जमीन फट जाती है निकल करके आपको उसका पूरी नुकसान दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दो चार दस घंटे अर्थक्वेक आए, एक आध सेकंड के लिए आया तमाम तरह की थीरियां हैं। कोई की कोई कुछ लोग कहते हैं शेषनाग की खोपड़ी पर पृथ्वी रखी हुई है, उसके फन पर पृथ्वी रखी है। जब कभी शेषनाग थक जाते हैं बजा धोते धोते थोड़ा बहुत ये विचार आ जाता है। आप सोचिए उनका भी कभी कभी मन होता होगा सात फन में अगर एक आध फन इधर से उधर हुआ तो जिधर की तरफ हुआ वहीं पर ये अर्थ आ जाता है। साइंटिफिक थ्योरी ऐसी नहीं है, साइंटिफिक थ्योरी कहती है जो सी फ्लोर है समुद्री वहाँ प्लेट टेट पानी से प्लेट ऊपर है नीचे, इन प्लेट में से जब कभी फ्रिक्शन होता है मूवमेंट होता है देन फर्स्ट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइजेस। अगर जमीन के अंदर चले जाए एकिंग करें तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर एयर की डेंसिटी चेंज होती है, इसी तरह नीचे की तरफ अगर चले जाएँ आप एक हाथ मिट्टी कूदें तो नीचे आपको गर्म गर्म मिलेगा और कूदें और गर्म मिलेगा। या बहुत से साधु महात्मा इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, खुद को कपड़ा उतार लेते हैं और खुद को जमीन में गाड़ लेते हैं, कहते हैं देखिए सर्दी में मैं बिना कपड़े के हूँ, इतनी महात्मा जी को सिद्धि है। सिद्धि विद्धि नहीं है, वो जमीन के अंदर गर्मी होती है तो गर्मी जितने खुद के नीचे डालेंगे उतना ही गर्मी होती है। आप गंगा जी के पानी में जाएंगे तो ऊपर की तरफ सरफेस वाटर एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है, लेकिन जैसे ही उसमें डिप करेंगे खुद को तो नीचे की तरफ गर्म होता जाता है। तो ये जमीन में भी इसको जी और चरण एनर्जी भी कहते हैं। जैसे ही नीचे चले जाएंगे, यानी अगर मान लीजिए कि आप किलोमीटर में कूदते चले गए नीचे, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर 0.1 डिग्री एक किलोमीटर में बढ़ता हो या एक मीटर में बढ़ता हो, आपने एक किलोमीटर खोद डाला तो हो सकता है वो 10-15-20 डिग्री, और अगर मान लीजिए इस तरह 1000 किलोमीटर नीचे खोद डाला आपने समुद्र तल से आपकी कुछ ऊंचाई होती है, एक डिग्री की हमने छेद किया एक बोर किया 200-300 मीटर का हो सकता है। अगर बॉम्बे हाई जैसी पोजिशन पर देखें वो एल जी सी जो गैस निकालती है वो 300 किलोमीटर नीचे 400 किलोमीटर नीचे इस तरीके से कोई डिगिंग होती है, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं ये टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो चीज़ें हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, मार्शल स्टेट में रहती हैं, यानी जो क्रोड है या जो अर्थ का सेंटर है उस पर जो भी मटेरियल है वो मार्शल स्टेट में रहता है। हो सकता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम हो बॉइलिंग पॉइंट में तो वाइपर के रूप में आ जाए, तो गैसियस फॉर्म में या मेल्टेड लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर जो हमारा पैरामीटर, और प्रेशर होने से कभी कभी अगर ये सरफेस के ऊपर आ गया, मान लीजिए गलाते गलाते कुछ ऐसा हो गया कि सरफेस पर आ गया तो वो सरफेस को फाड़ के निकल जाता है और उसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन, दिस इज कॉल्ड द वोल्केनिक इरप्शन। ये ज्वालामुखी इसको कहते हैं। हाँ हमको जरा सीस्मिक जोन और मान जो है वोल्केनिक इरप्शन में, लेकिन कोई कोई जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, कुछ ऐसे वोल्केनिक इरप्शन हैं कि एक एक घंटे में निकलते हैं, दो दो घंटे में निकलते हैं, यानी आप बैठे रहिए एक नेचुरल जो है पटाखा बजेगा या निकलेगा लावा फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाता है फिर थोड़ी देर में निकलता है। मेगा सिस्टम ऑफ कंट्री में इस तरह के पीरियोडिक है, कुछ में कलर चेंजिंग लाइट निकलती है,
पहले एक बार हरा निकलता है, दो घंटे बाद नीला निकलेगा, फिर पीला निकलेगा, इस तरह के तमाम ये नए तरह के जिसको कह सकते हैं वल्कानी के रत्न, इनमें कुछ नहीं मटेरियल जो होता है अंदर का धीरे धीरे लावा जिसको कहते हैं मेल्टिंग पोजिशन पर आता है। तो ये भी वेव का फॉर्म है, थर्मल वेव से निकलती हैं या बहुत सारी निकलती हैं सर, इनको हम कुल कैसे करवा सकते हैं, चल आपके खेत में निकल गया पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया, इसका लावा चारों तरफ फैल जाता है, कभी कभी कितनी बस्ती की बस्ती पूरे से अफेक्टेड होती है। किलोमीटर्स में चलते हैं तो ऐसी जगहों पर जहाँ सिस्मिक जोन है, जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं और क्षेत्रों में आप देखते हैं भूकंप बहुत आते हैं, जहाँ हो गए वहाँ उत्तराखंड है वहाँ पर बहुत आते हैं, इस रेक्टर स्केल की मात्रा कम और ज़्यादा हो सकती है, पहाड़ी से लेकर के पृथ्वी और पेड़ तक का नुकसान करते हैं गवर्नमेंट। इसी तरह वल्कानी की रक्षा एक लिमिटेड रीजन में है हम लोग के इलाका में, लेकिन जापान जैसे जगहों पर ये जो ग्रामीण आते हैं वो क्या किसी के खेत में निकल आता है, किसी के घर के अगल बगल निकल आता है, यानी तमाम स्टडी करने के बाद लोग वल्कानिक जोन से कुछ अलग रहते हैं नॉर्मल कोर्स में। तो ये सब खुला पेड़, यानी कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को हम सुन सकते हैं, संगीत सुनते हैं, साउंड वेव को सुनते हैं, लाइट वेव को हम देखते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जहाँ हम उनको देख सकते हैं ना उनको सुन सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या इस टाइप की बहुत सी वेव हो सकती हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दी वेव, देयर आर इनको स्टडी करने का क्या तरीका, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दी वेव, वेव की बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, सच है। अब वेव्स में बहुत सी प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर्टी है, यानी अगर कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी है ये वेव्स हो गई, वेवलेंथ दूसरी प्रॉपर्टी है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यानी तमाम जैसे किसी का गाना सुनते हैं फ्रीक्वेंसी कास्ट है, हम किसी गायक को पसंद करते हैं उसी को सुनते हैं, आप तमाम फ्रीक्वेंसी सुनने के आदि गए हो सकते हैं, किसी का फोन सुनते हैं इसका मतलब यू आर एडिक्ट ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। आप मान लीजिए डांट खाने के शौकीन होते हैं, बहुत बार देखते हैं छोटे बच्चों को बहुत डांट मिलती है, वो वेवलेंथ के जो है एडिक्ट होते हैं, जब तक उतनी वेवलेंथ उनको नहीं मिलेगी तब तक कुछ लोग पिच दूर तक जो बात करते हैं अपनी बात को दूर तक पहुँचाने के एडिक्ट होते हैं कि मेरी बात तो चार पाँच नहीं हो सकती, दूर तक मेरी बात को ये पहुँचा सकते, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ऐसा होता है, मेरी बात बहुत लोगों तक पहुँचे, फीमेल में विवेद कम होती है, अगर वाला आपको सुन रहे बात को सुन रहे हैं, ये तो सो कॉल्ड प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टी, मच्छर बहुत छोटा होता है, साउंड जल्दी से नहीं होती लेकिन उसका पिच बहुत बड़ा होता है, जिसके अगल बगल होगा उसको जरूर सुनाई पड़ेगा, बाकी लोगों को सुनाई दिखाई भी नहीं पड़ता है, लोग कहाँ कहाँ करते रहते हैं लेकिन पता नहीं लगता, मच्छर पर जिसको काटता है उसके कान के अगल बगल बता करके संगीत सुना के काटता है उसको, आप देखते हैं पता लगता है उसको मच्छर है, फिर भी वो उस मच्छरों का कुछ नहीं कर पाता, अगर दो फिर तब गया मच्छर तो ज्यादा नहीं लगाता है, वेवलेंथ के बजाय इसमें से और भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये एनर्जी मोमेंटम प्रेशर ये बहुत सी प्रॉपर्टी, यानी अलग अलग तरह की वेव्स होंगी हम छोड़ सकते हैं, यानी इसमें तमाम वेव्स के आपने जो सी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जिसको कह सकते हैं ये सब आपने जरूरत पड़ने पर किसी न किसी लाइट वेव में उसकी एनर्जी की इक्वल मिलती होती है, मोमेंटम उसका कुछ आपने पढ़ा एच वाई सी कर सकते हैं, एच वाई सी होता है, हर एक अलग अलग वेव्स हैं, साउंड वेव के बारे में भी आपने पढ़ा, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, नॉर्मली फिजिक्स में हम एक चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं वो है मोशन, मोशन का मतलब वेलोसिटी, किसी चीज़ की वेलोसिटी जीरो है, तो वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी वेव इज वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या था एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट का, कितनी की जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी पर, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी वेव इज वेव इट्स वेलोसिटी, हमने साइंस के पॉइंट ऑफ से देखा है, मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ से देखा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से देखा, तो हमें इसकी वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी जीरो हो गई एनर्जी ट्रांसफर और मोमेंटम जीरो हो गया, एक बच्चे को आप हाथ देकर सुला रहे
बिगड़ी भोजन के साथ अगर उसको घुसाते हैं तो सो जाता है, लेकिन ये भूसा मारे मतलब फैलाए भूसा मारे फैलाए डिग्री हो सकता है, क्या होगा उस बच्चे को, क्या सोएगा वो, जब भूसा मारेंगे तो बिगड़ेगा और जब थोड़ा सहलाएंगे तो ऊपर आपको देखने लगेगा। आप करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, जैसे लोग करते हैं नहीं सोते हैं तो मारते हैं उन बच्चों को, आप परिणाम का देखते हैं। और अगर उनको पीरियडिकली ये सब लोगों को बचपन में सोने की आदत होती है, जब तक मम्मी या पापा या कोई ठोकता खाता नहीं है ये थोपने से नींद क्यों आती है। सवाल है बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या होता है एनर्जी आपको की वो निकल गई, की जो एनर्जी आपने दी वो चली गई, लोरी सुनाते हैं तो क्या होता है, बड़ा सुनते सुनते लोग सो जाते हैं, टीवी देखते देखते लोग सो जाते हैं, ये सब की हैबिट्स का पार्ट है। आप देखते हैं बहुत थके होते हैं या कुछ होते हैं तो कुल एनर्जी का क्या था, चलो गाना सुनते हैं साउंड एनर्जी कान में आती है या किसी तरीके से उसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो सोने के लिए भी आपको एनर्जी ट्रांसफर ये प्रोसेस है। सोना बॉडी की सारी एक्टिविटीज को जीरो करना एक प्रोसेस है। सब आपने देखिए कोई बंद नहीं किया, आपको बंद कर लिया देखने वाला प्रोसेस खत्म, जो इधर उधर देख करके अच्छा खराब सोच रहे थे वो सब बंद हो जाता है आपका, या एक तरीके से जो विजुअल वर्ल्ड है उसकी बात खत्म हो जाती है, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी आपकी बॉडी के अंदर आपके माइंड में वो कुछ आता है। हमारे लिए वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी बहुत फास्ट हो सकती है, ये वेलोसिटी बहुत कम हो सकती है, यानी मान लीजिए हम किसी को एनर्जी देना चाहते हैं साउंड के रूप में, कुछ इस तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं कि कोई सब्जी नहीं समझ पाते, जो पूजा पाठ या चाट पुट करने वाले होते हैं कभी कभी तो बहुत साफ सुथरा पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय सुना दिया आपको, कुछ गायत्री जी के मंत्र करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहते हैं, और बीच में कुछ इतनी स्पीड में कह जाते हैं कि किसी को पता नहीं लगता है कौन कहता है, बच्चे कहते हैं क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता है वो बेचारे पहले वाला, तो ये अब स्पीड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी उस मंत्र का जो जगाना जिसको एक्सपेरिमेंटल पार्ट कहते हैं वो हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डिपेंडिंग अपॉन दी वेलोसिटी, डिपेंडिंग अपॉन दी वेलोसिटी, ऑन दी वेलोसिटी। किसी बच्चे को आप देख करके डोरी का क्या सुना रहे हैं या और भी तरीके हो सकते हैं उसके सोने के सुनाने के, तो अगर इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं तो ये हो सकता है कॉन्स्टेंट एनर्जी दे रहे हैं और रेट उसका कॉन्स्टेंट हो सकता है कि बहुत फास्ट दे रहे हो सकता है, यानी ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, तो कांस्टेंट एनर्जी दिया हमने आने बच्चे को धीरे धीरे करके सुनाते हैं तो वो कांस्टेंट एनर्जी होती है। बहुत बार ऐसा न करके जब बहुत फास्ट स्पीड में पीट पाट के सुना देते हैं घर है ड्रामा करके आप बंद करके सो जाते हैं थोड़ी देर में, जब आप जाएंगे तो आप सब सांस वांस रोक करके बिल्कुल लगेगा कि सो गए, जैसे आप जैसे शुरू कर देते हैं ये प्रक्रिया आप देते हैं, तो वेलोसिटी वेरी करती है कहीं पर कांस्टेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव इन ए मीडियम, इन ए मीडियम, इन ए मीडियम दी वेव्स आर क्लासिफाइड, वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में इनको नेमली पहली कैटेगरी है इसका नाम है इसको कहते हैं मैकेनिकल और ज्यादातर लोगों ने इसको पढ़ रखा है जेंडर, यानी सच टाइप्स ऑफ दी वेव व्हिच रिक्वायर मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, सच टाइप्स ऑफ दी वेव हुज वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम आर नोन एज दी हर मीडियम में वेलोसिटी डेंसिटी पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, प्रेशर पर, तो सच काइंड ऑफ वेव, सच टाइप ऑफ वेव, सच टाइप ऑफ वेव व्हिच रिक्वायर दैट रिक्वायर्स दैट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन आर कॉल्ड प्रोपगेशन आर कॉल्ड आर कॉल्ड इसको कहते हैं आर कॉल्ड मैकेनिकल, मैकेनिकल दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये कैसे बनती हैं दीज वेव्स
ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल है, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल, या तो न्यूट्रल पार्टिकल हो और न्यूट्रल बॉडी हो, न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है, आप जानते हैं कि पार्टिकल के न्यूट्रल बराबर हो, उसमें कोई चार्ज ना हो। जो न्यूट्रल बॉडी है, एक आदमी न्यूट्रल है, इधर से उधर रोटेट कर रहा है, तो उसके पैरों के चलने से कोई वेव जनरेट होगी, उनको कहेंगे मेन वेव। ये मीडियम में अलग अलग होगा, हर मीडियम में इसकी हीट अलग अलग होगी, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दीज वेव्स या मेंटेन द दीज वेव्स आर क्लासिफाइड, आर डिवाइडेड, आर क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिवीजन या डिफरेंट टाइप कैटेगरी, नेमली ये जो पहला नाम है, नॉर्मली जो डिफरेंट डिवीजन है वो ह्यूमन ऑडिबिलिटी, ह्यूमन ईयर जो है उसकी ऑडिबिलिटी के लिमिट के आधार पर, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट का पाया है, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक यानी एक ह्यूमन ईयर है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहें चाहे वो इंफ्रासोनिक्स है, इंफ्रासोनिक्स। ये कौन सी मैकेनिकल वेव है, सस्पेंस ऑफ मैकेनिकल वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक, या जो ह्यूमन ईयर है उसकी लोअर लिमिट से कम है, तो दोज वेव्स, दोज वेव्स या दोज मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं, दोज मैकेनिकल वेव्स हुज हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन लेस देन। अब इसको कुछ लोग ह्यूमन ईयर की ऑडिबल लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन ईयर कहते हैं, लेकिन आज के दिन आदमी आदमी का सुनने का तरीका बदल गया है, उसको बहुत ऊंचा सुनाई पड़ता है, उसको बहुत दीवारों के अंदर जो बातें होती हैं वो भी सुनाई पड़ जाती है। आप देखते हैं जिस्टर से लोग पता लगा देते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप आवाज़ दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, यानी बहुत से लोग आपके मन की बात आँखों से पढ़ लेते हैं आपके रेटिना की पोजिशन को, तो इसलिए हम ह्यूमन ईयर को लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेंसियर में सेंसिबल जो ईयर है इज लेस देन दी 20 हर्ट्ज की बात करेंगे, 20 हर्ट्ज आर कार्ड, आर कार्ड कार्ड अपनी कार्ड इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से स्मॉल होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू प्रोड्यूस करने का तरीका था ऑसिलेशन। तो अगर मान लीजिए एक आपने हनुमान जी को रखा दिया गाड़ी में, इधर से उधर गिर रहे हैं, से क्या बनेगी ये मैकेनिकल वेव, जरूरी नहीं कि सुनाई पड़े, सुनाई तब पड़ेगी जब वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो लोएस्ट इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू का फार्मूला फिजिक्स में कुछ होता है, न्यू इक्वल टू 1/2π अंडर रूट को एल अपान या के अपान म्यू हो सकता है या टी अपान जी, तमाम फार्मूले हैं। कुल मिलाकर के ये मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यदि बहुत ज़्यादा मास होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर बहुत कम मास होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। छोटे बच्चे जल जाते हैं, सब लोग जान जाते हैं, अगर जान जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इधर उधर कुंदा लाता शुरू कर देते हैं। एक बड़ा आदमी है जगह तो 3 घंटे तक करता रहेगा जब तक कि वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम स्तर पर रह करके पानी में लग जाता है कि अभी 7-6 बजे 7 बजे का टाइम वेस्ट नहीं है, जब सो पहले जाता है ऊँघना रूंघना जिसको कहते हैं लोग, उसी में इधर उधर करते रहते हैं, तब कोई चिल्लाएगा अरे या सवेरा हो गया 7:30 बज गया तब लोग भागना शुरू करते हैं, जल्दी करना शुरू करते हैं। तो ये जो लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी करोड़ में धरने की, वो सिर्फ बच्चों को सुनाई पड़ती है, आप उस बच्चे को छोड़ दीजिए, उसकी स्किन से हाथ हटा लीजिए, उसको पता लग गया कि आप इधर खिसक रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो 20 हर्ट्ज से यानी बहुत सी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें उसका मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उसके सिर्फ पिक मास से क्योंकि प्रोपोर्शनल वर्णमान यम था
हिल रही हो, पत्ती का भार बहुत ज्यादा है, फेसना के ऊपर थी इधर घर ले ली, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, हो सकता है बहुत कम हो जाए, इतनी कम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 हट सकती है। ये देखिए तमाम इंफ्रासोनिक थी, कान में सुनाई नहीं पड़ेगी लेकिन कुछ ना कुछ इसमें दिखाई पड़ेगा। ये तमाम सो कार्ड जो आजकल काला मिट्टी जा रही है, उड़ उड़ से लेकर के समुद्र में एक गुल्लू आता है तूफान कटरीना तूफान, आप तमाम तूफान तमाम आजकल अमेरिका में इस तरह के, यानी हम जान जाते हैं 3 दिन पहले से आने वाला है, क्योंकि विपरीत उसको पता रहता है, बिलास्टी बहुत कम थी, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से बिलास्टी बहुत कम होगी, लेकिन विपरीत इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम बताते हैं इसको कि अभी इंडोनेशिया में इसकी ओरिजिन हुई है और 3 दिन बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में से पहुँचेगा, समाचार आप देखते हैं इस तरह के। कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, जो फ्रीक्वेंसी कम थी वेलोसिटी मालूम थी, वेवलेंथ हमको पता चल जाता है और वेवलेंथ से इसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी डिस्ट्रक्टिव हमको बताते हैं कि इतने आदमी को बचाने के लिए समुद्री किनारों से 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया जाता है। तो ये इंफ्रासोनिक्स थी, यदि इसको डिटेक्ट करने का कुछ तरीका होना चाहिए, हम तो जब देखते हैं तभी पता चलता है। तो दी इंफ्रासोनिक पेश, इंफ्रासोनिक पेश आर आया कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। ये जो कान है इससे नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, एक नॉन ऑडिबल है या इसको सुनाई नहीं पड़ेगी, बट दे कैन बी डिटेक्टेड बाय सर्टेन एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो पता लगा देते हैं कोई नुकसान होने वाला है, अंडरग्राउंड जो एनिमल्स हैं, अंडरग्राउंड जो तमाम तरह के चूहे नेवले सांप या जो बिल बना करके रहते हैं उनको सब नहीं तो आ जाते, वो जो इस तरह के लोग मरते नहीं हैं, आप आते हैं सब निकल ऊपर चले आते हैं, क्योंकि उनको पहले पता होता है, जैसे आप किसी का मकान खोलने के लिए बुनियादी फीट गिराते हैं तो नेचर ने इनको एक जो है इस तरह की प्रोटीन्स दे रखी कि इनको पहले पता चल जाता है, मोर को तमाम चीज़ें बारिश कब होने वाली पहले पता चल जाता है, कौवे को सवेरा सबसे पहले पता चलता है, आप देखते हैं मुर्गा कौवे ये तमाम नेचर ने इनको इंफ्रासोनिक ये ताकत दे रखी है कि कोई घटनाक्रम होने से पहले इन सबको पता चल, बिल्ली को पता लग जाता है कि आपका नुकसान, बहुत ही प्रक्रिया है इंफ्रासोनिक्स। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, या तमाम ऐसे एनिमल्स हैं घोड़ा हाथी 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, यानी 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इंडोनेशिया का हाथी अरुणाचल प्रदेश के हाथी से बिना कोई मोबाइल या स्मार्टफोन के बात कर लेता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता होती है, हमारे पास ये क्षमता नहीं है, 20 हर्ट्ज तक ही किसी की बात सुनते हैं, उसमें एक कुत्ते क्या कहा फिर कान में लगा करते हैं, तब लोग बताते हैं या सुन पाते हैं, छोटे बच्चे थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं और कान के प्रति बहुत जल्दी समझ लेते हैं या बहुत जल्दी डिटेक्शन, ओल्ड एज में और ही प्रॉब्लम्स हैं, अपर रेंज और बढ़ जाता है, सुनते हो बना लगता है, आप देखते हैं जो बुढ़े आदमी हैं सुनते हो सुनते हो करते हैं, यानी अपर लिमिट उनकी 20 किलोहर्ट्ज़ से थोड़ा और बढ़ जाती है, थोड़ा और चिल्लाते रहते हैं, इससे डिसिबल भी बढ़ता है। दैट इज हियर ये जो एनिमल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी कौन सी बात को सुनते हैं जो आप किसी को वर्ड्स के द्वारा बताते नहीं हैं, फ्रीक्वेंसी मन में जो बात है आपकी उसको सुनने के लिए उस एनिमल्स की जरूरत होती है, या क्योंकि ह्यूमन सुन नहीं सकता, तो अगर भगवान का अवतार आदमी के रूप में है तो सही सुन पाएगा, इसलिए भगवान के साथ या मूर्ति के साथ एक एनिमल भी होना जरूरी है, शंकर भगवान के साथ नंदी महाराज रहते हैं, आप देखते हैं भगवान राम के साथ एनिमल के रूप में बंदर हनुमान जी रहते हैं, ये आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं, भगवान की बात को जो हनुमान जी नहीं तो हनुमान जी सुन सकते हैं भगवान राम नहीं सुन सकते, ये बताते हैं कि कन्वर्टर का काम करते हैं शेरा वाली शंकर भगवान संचार में बहुत वाले रहते हैं, वहाँ गारंटी है वो सांप वाप भी रखे रहते हैं, सांपों में हिसाब किताबें पढ़ाते जब है कि 2 हर्ट्ज से लेके मैं सांपों के बारे में पढ़ रहा था कि सुनिए सब बातों को सुनते हैं, जब मन होता है तब अपना रिएक्ट करते हैं, यानी
बिन को भी सुनते हैं, साउंड को भी, ऑडियो लैंग्वेज को भी सुनते हैं, तमाम कुत्ते के साथ भी ऐसा ही है। आप देखते हैं युधिष्ठि महाराज कुत्ते को साथ रखते थे, अपना तो है ही, उसको भी सुनने के लिए देखते हैं। यानी पुराने जमाने में कितने बुद्धिमान लोग थे, इंफ्रासोनिक्स के बारे में बहुत जानते थे, तमाम ऐसे लोग या जितने देवी देवता हैं उन सब में एक एनिमल अपने साथ रखने की परंपरा है। कोई चूहा रखता है, कोई कुछ रखता है, गणेश भगवान को लगा हम पीछे रह जाएंगे तो हाथी को काट लगा लिया उन्होंने या चोट लगा दी उसने, बाकी 15-18 सर निश्चल था। तो ये जितने देवी देवता हैं इन सब के साथ आप देखिए कुछ जानवर रहते हैं, ये जानवर इंफ्रासोनिक को डिटेक्ट करने के लिए रहते हैं, मन की बात को। इसलिए कभी भी गड़बड़ मत करिएगा, भगवान के साथ ये होते हैं एनिमल्स रहते हैं, इनको भी खिलाना चाहिए। मछली रखी हो तो उसी में भी क्षमता होती है कि आपकी बात को बिना कही की बात को सुने। ढेर सारे लोग हैं मछली के आकार के गहने पहनते हैं तो आप चीज़ें खरीदी जाती हैं। जब आर्नामेंट में जाएंगे सो कॉल्ड शगुन एक वर्ड होता है तो उसको लेना ही लेना होता है। बहुत सी चीज़ें इस तरह है जो तो जानवरों के रूप में होती हैं। आप देखते हैं तमाम सात देसी नौ लगाती आप सोच सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनकी 20 से कम हो गई। यानी अगर आपने कोई ऐसी बात कही जो सुनाई ना पड़े कान से, बिंदी लगाने वाला आदमी उसको जानता है, उसमें साफ होता है पिरामिडल से हम प्रोवाइडेड टू एनिमल्स के रूप में हो, क्योंकि ये सांप में से एक प्रॉपर्टी थी। तो बी केयरफुल, अगर कोई अंगूठी में से मछली पहनता है तो आप क्या मेरा कहीं भी बात को भी डिटेक्ट कर लेगा, तो मछली में ताकत होती है। या तमाम इस तरह के आर्नामेंट बच्चों के आते हैं इस तरह के तमाम, तो इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादातर जानवरों से बड़ा प्यार होता है। उनका बैग, चूहा, बोतल, हाथी, इस तरह के आप देखते हैं उनके सारे के सारे कारनामे, क्योंकि उनकी बिना कही हुई बात को वो हाथी समझ लेता है कि आपको बिना है भरा हुआ है भी आते हैं लोग देख करके। हाथी को कहते हैं मारो हाथी को, तो हाथी के साथ समझ लीजिए छोटे छोटे बच्चे सब कारनामा करते हैं। बंदर भी उनको मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, तो जानवर मिलेंगे क्योंकि ये एनिमल सब उनकी बिना कही हुई जो सुनाई नहीं पड़ रही थी ये समझ जाते हैं। बोतल दूध की गिर सकती है ऊपर से नीचे अगर उसके साथ रिश्ता हुआ तो, बिल्ली रास्ता काट जाती है इंफ्रासोनिक की वजह से, घोड़ा जिधर की तरफ मुंह करता है उधर की तरफ फतेह हो जाती है। गलती से अगर आप आ रहे हो दो घोड़े एक साथ खड़े हों, दोनों का मुंह पीछे की तरफ हो, आपका डायरेक्शन फॉरवर्ड मोशन हो सकता है, और वो दोनों पीछे की तरफ देख रहे हो तो समझ लीजिए आपका काम बिगड़ गया, आपका बनेगा नहीं सवेरे सवेरे। लेकिन एक अगर पीछे की तरफ हो और एक आगे की तरफ हो, सुनो आपकी बात को भी, तो एक अगर पीछे की तरफ मुँह खड़ा किया हो एक आगे की तरफ, तो सर्दियाँ लड़ाई हो जाएगी आपकी किसी से आप बात करिए। ये रोज के चुटके हैं देख करके उसको रहे थे आप। हाँ हमने कहा मैकेनिकल बेस होगी, हाथी से कोई मतलब नहीं प्रोड्यूस होगी, वो किस सेप से प्रोड्यूस होती है डिटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक रेजोनेंस फेनोमेना है, आप मान लो अपनी ही फोटो को देख कर रेजोनेट होते हैं, आप पर ही होते हैं लेकिन फोटो देख के बड़े खुश जाते हैं मैं कितना अच्छा हो गया। आप अपनी फोटो देख कर खुद खुश होते हैं ना, आप तो नहीं थे वो क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस का एक फेनोमेना है जी, वो लगता है कि हम ही हैं और वो रेजोनेट करती है, दो राय नहीं है। आप कभी कभी अपने को देख करते मैं कितना दलित आदमी हूँ ना करके अपने को ही बहुत खराब लगता है, आप करते देखते क्या करते हैं। कुछ मधुमक्खिया से लेकर के तमाम इस तरह के जानवरों में ताकत होती जिसकी एक दुनिया है। आप ढेर सारे पुराने मंदिर जाएंगे जानवरों की तस्वीरों के साथ, भगवान के साथ या भगवान के साथ तमाम हो सकता है, कोई हो सकता है, मैंने पिछले टर्म से बात की थी शायद, इस तरह के ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे एक साथ। दैट इज देयर सर्टेन एनिमल्स थे, ये सर्टेन बर्ड्स जो बात आप नहीं कह सकते, गंगाराम का तोता कहता है, बुलबुल कहती है आपके, ये तमाम कबूतर कहते हैं आप देखते हैं सब, ये तमाम चीजें जो है कृष्ण भगवान को सांपों से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि जिंदगी जब शुरू हुई तो
सांपों ने उनको तमाम बताया जाया था क्या देखते पानी हो रहा था उसके ऊपर शेषनाग ने अपना पन शुरू किया। बाद में वो तमाम नाग नागपंचमी जो होती है उसके साथ उनके कारनामे सांपों के साथ शुरू होते हैं। फ्रिक्वेंसी इसका चक्कर है कुछ अब समय नहीं है तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये तमाम जो पुरानी मैथोलॉजी है पुराना जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें तमाम इस तरह के लोग मिलेंगे घोड़ों से लेकर के हाथी से लेकर के हैरात हाथी का नाम शायद सुना होगा आपने कभी आकाश में रेखा का तमाम तरह के कारनामे उसके भी कुछ आपने सुने होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज कि ये जो एनिमल्स हैं वो सब के सब डिटेक्ट करते हैं तो तब भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेक्ट करता है बिना कहीं भी बात को। कुत्ते में भी ये प्रॉपर्टी है मच्छर 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। किसी घास के मैदान से जंगल से आप पास हो रहे हैं तो संदल में रिजन है गलती से आप घुस गए रात में हो जाती कभी कभी सर्कमस्टेंशियल चीज़ें कि आपको जाना पड़ रहा है मच्छरों को पता लग जा रहा है कि आप आ रहे हैं क्योंकि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लोअर डिटेक्शन है। आप सोच सकते हैं कि आपने पलक ऊपर से नीचे डाली तो ये 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की तरह एनर्जी खाती है 1 जूल इतनी एनर्जी को भी डिटेक्ट कर लेता है मच्छर। यानी आप जहाँ से जा रहे हो सारे मच्छर घास के आपके अगल बगल लग जाएंगे आगे पीछे कुछ आगे की तरफ रास्ता दिखाएंगे करके काटते पीटते रहते हैं तो घास के तमाम कीड़े यानी ये तमाम जानवर जिनको हम पालतू जानवर कहते हैं वो जरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम वीडियो में पालते हैं अमेरिका में लोग भी बहुत पालते हैं हिंदुस्तान में कुत्तों को बहुत पालते हैं अमेरिका में करीब 66% लोग जो पेट एनिमल्स पालते हैं उनमें से मीडिया पाली जाती है उनके यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा कम करती है। तो दैट इज यर कि बिल्ली के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं सब लोग मानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुकना चाहिए या कोई अजनबी आदमी जिसको मालूम हो वो निकल जाता है तभी लोग क्योंकि वो ऐसी इंसिडेंट को जानती है जो आगे होने वाले हैं और आपके लिए अच्छी नहीं होती है। इसी तरह हाथी युद्ध में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं घोड़े क्योंकि इनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हाथी आगे की तरफ नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कोई गड़बड़ है या घोड़ा नहीं जा रहा है तो युद्ध में लोग इनको आगे इसलिए रखते हैं कि अगर हाथी लौट आया तो फिर युद्ध नहीं होगा सरेंडर कर देते हैं या लौट के चले आते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है तो ये बर्ड हो सकते हैं एनिमल्स हो सकते हैं अब नंबर आता है इनका प्लांट्स। ये प्लांट्स भी आपकी बिना कही हुई बात को डिटेक्ट कर लेते हैं। आप केले के सामने अपनी बात को कहते हैं दीपक जलाते हैं वेप जलाते हैं वेप की बात चल रही थी तो अगर आपने कुछ बात नहीं कही किसी पेड़ के सामने जा कर के तो फिर आपकी पूजा पूरी रह जाएगी। तो दूसरा तरीका है वेप प्रोड्यूस करना था वेप उसके सामने जाकर कुछ ना कुछ सोचिए। बहुसंख्यक लोग तमाम पेड़ों की पूजा करते हैं छोटे बच्चों से लेकर के सबको बताया जाता है चाहे तुलसी हो चाहे कुछ और हो तमाम तरह के देवी देवताओं के बारे में भी संतोषी माता से लेकर के तमाम लोग इस तरह के हो सकता है कि आप किसी की पूजा न करते हो किसी और कैटेगरी में आएंगे आप। ये लेकिन जो प्लांट्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं बोलने वाले प्लांट्स होते हैं आप जो बोलते हैं सुन लेते हैं तमाम बटरफ्लाइज हैं बरगद के पेड़ से नीचे इलाहाबाद में तो और भी तमाम तरह की वैरायटी है दे रहे हैं। एक पेड़ ऐसा है जिसको सब लोग कल्प वृक्ष से लेकर के और तमाम तरह के वृक्षों की इन सब में बहुत ज्ञान देने वाले भी वृक्ष होते हैं जो है तमाम एक बोध गया स्वतम बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करता देते हैं। वो पेड़ आज भी जिसको बोधि ट्री कहते हैं कोई भी व्यक्ति वहाँ बैठ जाता है तो उसको उसके दिमाग में ज्ञान अपने आप भर जाता है यानी पेड़ में इतनी चीज़ें अपने आप मिला है वो किला है किले में पेड़ है क्या चढ़ा हुआ कौन सा अक्षर हाँ अक्षर उसकी भी कुछ विशेषता है कि आप जो बोलेंगे वो सुनता है आप जो भी कुछ वहाँ बोलते हैं पेड़ सुनता है पेड़ बोल नहीं पा रहा लेकिन लंका में जो अशोक वाटिका थी उसमें ऐसे पेड़ थे जो बोलते थे वो आदमी के साथ वार्तालाप करते थे उनको हिंदी अंग्रेजी सब भाषा में बात करना चाहते हैं तो तमाम अगर तुलसीदास की रामायण पढ़ेंगे तो उन पेड़ों की विशेषता ही है कि जो आपके पास सुनकर के रावण को बता देते थे रावण के बाद ट्रांसफर करके उस आदमी को बता देते थे। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम थे ऐसे ढेर सारे तमाम जगदीश चंद्र बोस ने भी इस बात को प्रूव किया है रेडियो ट्रांसमिटर लगाया जाए तो पेड़ आपस में बातचीत करते हैं यानी उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है इस तरह का कि ढेर सारे लोग सीता जी से पेड़ बात करते थे कि रोइए मत हम आपकी सेवा में हैं आपका खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी लेकिन ये जेल है यहाँ से कोई जा नहीं सकता। तो उन पेड़ों की विशेषता थी अगर उसका पूरा
डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाए, लंकेश्वर नाम की किताब है जिसमें से बहुत बड़ी सी सात आठ मिनट पुस्तक है जहाँ उसका साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो उन पेड़ों में से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमियों से मिलती हैं, समय के साथ खत्म हो गए वो पेड़। अभी ऐसे पेड़ हैं जिनमें से आप महावला से लेकर के पूजा करते हैं लोग या बहुत जगह तमाम अलग अलग वेराइटी के पेड़ है। कहीं पर इमली के पेड़ की पूजा होती है, इमली के पेड़ की प्रॉब्लम है कि अगर बहुत दिनों तक उसमें पानी वानी डाला जाए और ये सब पकी कर जलाएं उसमें भूत बहुत हो जाते हैं। अगर लगातार 30 दिन तक इमली के पेड़ के नीचे आपने जलाया, एक्सपेरिमेंट करिए, करने की बगल में है और दो चार भूत पैदा कर दीजिए आप जो है जनश्रुति है, तो पता नहीं सही गलत है, लेकिन जनश्रुति का मतलब कहीं सही होता है कि 30 दिन तक लगातार इमली के पेड़ के नीचे अगर दीपक जलाएं, पानी डालें तो 31वें दिन आपको भूत मिल जाएगा। ये विशेषता है, रीजन कुछ है उसके, और सिंपल कि आपको मिरर इमेज दिखाई पड़ेगी, अपनी इमेज भूत के रूप में दिखाई पड़ेगी जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि लगातार अगर किसी 30 दिन मिट्टी में पानी डालते जाइए तो मिट्टी मिरर का काम करेगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन का, यानी 10% उसमें रिफ्लेक्शन होगा, 90% रिफ्लेक्शन होगा, आपकी इमेज खुद को दिखाई पड़ेगी, आप पहले से भूत निकल आए, क्योंकि इमेज दिखाई पड़ते ही केवल भूत में और तो कुछ दिखता नहीं। आप अपनी इमेज जब 10% ब्लर्ड होगी, नहीं 10% ब्राइट होगी तो पहचान नहीं सकते, इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी श्रद्धा आपको उस तरह न करे, दिमाग को बहुत कंसंट्रेट करती है, वो रेगुलरिटी के साथ में काम करते हैं तो दिमाग की एकाग्रता बहुत होती है। मान लिया आप सुनते हैं कि 9 बजे मुझको सुना है कुछ हो जाए तो आपका दिमाग एकाग्र करेंगे मुझे 9 बजे सुना है, आपको 8 बजे पढ़ना है तो कोई प्रोसेस अगर कंटिन्यूस करते हैं तो उससे जो है दिमाग की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो दैट इज क्लियर कि ये बहुत से लोग कहते हैं हम जब तक गाना नहीं सुनते तब तक कंसंट्रेशन नहीं होता, तो वो गाना सुनते सुनते कंसंट्रेशन उनका बन जाता है, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिस की है इसकी, पहले गाना करेंगे फिर पढ़ेंगे तो तब इसकी वजह से होता है। तो कोई भी चीज़ तरीका हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं ये बहुत वेराइटी के हैं, अभी करते हैं ऐसे भी प्लांट्स, पुराने जमाने में तो उड़ते थे प्लांट्स, फ्लाइंग प्लांट्स थे, अब उड़ने वाले प्लांट नहीं है। मान लीजिए कि मैडम के आपको गमला लगे, इन्होंने पेड़ में पानी डाला और उसको करके भाग गए, वैसे पेड़ नहीं रहेंगे, लेकिन पहले इस तरह की जादू चटाइयाँ नहीं है, इन्हीं से बनती से बहुत सिंपल ट्रिक थी, इनकी डेंसिटी जो है हवा से कम, अभी नॉर्मल जो प्लांट्स हैं उसकी डेंसिटी हवा से ज्यादा होती है, जिनकी कम थी वो धीरे धीरे उन्हें कोई तरीका था रोकने का वो निकल गए सब यहाँ से। तो इस तरह के कारनामे जो पुष्पक विमान ये बनते थे, ये साइंटिफिक इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें हम ऐसी बनाएंगे कि जिनसे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई मशीन बना दे कि किसी की कई भी बात को हम उसमें डिटेक्ट कर दें, कार्डियोग्राम जैसे हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे चलता है, वे उसे डिकोड कर लेते हैं कि अगर इस तरह की बात होगी या इस तरह की स्पीड होगी, तो ये ह्यूमन डिटेक्टर्स हैं। इनके बहुत से एप्लीकेशन हैं, दे ड्यू टू दी स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू दी स्मॉलर फ्रीक्वेंसी दिस वेव्स इज दिस है लो एनर्जी या स्मॉलर एनर्जी बट लॉन्गर Therefore, they have limited commercial applications. यानी अगर हम दो चार बिल्ली पाल लें और कहते हैं कि नहीं होगा, बिल्ली की तबीयत खराब हो जाए, मुँह खराब हो जाए, कोई अलग रिजल्ट दे दे, इंजेक्शन नहीं जाएंगे तो पता युद्ध तो हुआ ही नहीं, इसलिए इनके कमर्शियल एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। कि अगर भगवान के पास आप जाए कहते सब कुछ मेरा हो गया, ऐसा संभव नहीं। दूसरा है आर्ट सोनी फेज कहते हैं इनको, सोनी इनकी फ्रीक्वेंसी या साउंड वेव भी कहते हैं, साउंड ये कुछ
such types of mechanical waves, such as mechanical waves, mechanical waves, such kind of mechanical waves, whose frequency like, whose frequency like between 20 hertz to 20 kilohertz are called इनको साउंड वेव भी कहते हैं, साउंड वेव आर ऑडिबल या सोनिक कहते हैं, सोनिक वेव आर ऑडिबल, ऑडिबल वेव। ये आप देखते हैं इनका कुछ हो जाए तो हम एक जो मंत्र चिकित्सा में इनको बहुत इस्तेमाल करते हैं, मंत्र चिकित्सा आजकल प्रासंगिक नहीं है इसकी बात करते हैं, हम वर्डी कम्युनिकेशन शब्दों में एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं तो बिना साउंड के नहीं है, तो सब गए हम सब का अपना प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, भाषाएं अलग हैं, 6,680 भाषाएं करीब है दुनिया में, जिनको समझना बहुत कठिन, लेकिन आजकल सब कंप्यूटर की वजह से सब दम तोड़ चुकी, केवल 321 बची हैं, यानी बाकी सब कंप्यूटर की वजह से कुल 8 ही भाषाएं प्रासंगिक हैं, 321 में भी 70% से ज़्यादा लोग 8 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, चाइनीज है, कुछ जापानीज है, कुछ भाषाएं तो ऐसी हो गई इसको भाषा कहते हैं, 325 लोग जो मिल करके कोई चीज डे टू डे में बात करते हैं जिस भी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, यानी अगर 325 लोग एमएससी में हैं, बीएससी में हैं, ये मिलके कोई नई भाषा बना लें, अब जो कि सब लोग आपस में इस्तेमाल करें तो उसको भाषा का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन आजकल ये अंग्रेजी की वजह से कोई कुछ सीखता नहीं, बोल अंग्रेजी सीखता है, आप देखते हैं हिंदी विंदी सब खत्म होती चली आ रही कुछ दिन में, तो किसी भाषा का नॉलेज पहले भी बता चुके होंगे कि 40,000 से लेकर 45,000 शब्द अगर किसी को आते हैं तो भाषा का जानकार आता है, माने मैडम है इनको हिंदी आती है, इनको 45,000 शब्द हिंदी की कम से कम आते हैं, शब्द तो बहुत है, हिंदी में करीब 7,00,000 शब्द हैं, अंग्रेजी में 6,00,000 शब्द हैं, जिसको भी 40,000-45,000 शब्द आते हैं, मीनिंग आती है उनका, अप्लीकेशन आता है, तो वो अपने को अंग्रेजी का कितना लगाता है उससे ज़्यादा, यानी आपको अगर बोलना है तो कुछ ऐसा बोलिए कि शब्द कोश के अंदर का शब्द हो, तब तो आपको ठीक है, अदरवाइज एक नया शब्द आप बोल रहे हैं तो आपको उसको परिभाषित करना पड़ेगा, तो ये ऑडिबल ब्रेन सब आपके ऑडिबल वेव्स हैं, दीज वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ये ह्यूमन ईयर, आप इसको सुन सकते हैं ईयर, इनमें कुछ पार्ट को हम स्किन से भी सुन सकते हैं, अच्छा ह्यूमन ईयर एंड स्किन कर सकते हैं या काम करके स्किन, ये जानवरों में भी इसकी बात होती है, स्किन यानी अगर मान लीजिए कि कान बंद कर दिए जाए आपको, आपके को कान बंद कर दिए जाए, बहुत से लोग हेडफोन लगाए रहते हैं और दूसरा कोई बात करना चाहता है कहाँ से सुनेगा, वो तो गाना सुनते रहते हैं, लेकिन उसको अगर कोई मान लिया पीछे से हार्ड मूव कर रहा हो इन प्रिंसिपल, तो उसको उसकी बॉडी से सुनाई पड़ जाएगा, क्योंकि तो स्किन में वाइब्रेशन हो जाते हैं, आप देखते हैं अगर कोई बहुत तेज डांटे तो आप का अपना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से था ये वाइब्रेशन शुरू हो गया, यानी सब कुछ बंद कर दिया जाए, बहुत तेज़ी से कोई डांटता है या पुलिस के डर से आधे लोग देखते ही दरवाजे को उसको काल कोठरी कहते हैं, पहले इन्होंने चलाने का नंबर जब आता है तो पहले ही लोग अच्छे अच्छे दहशत में से बता देते हैं क्या क्या होता है, तो ये स्किन की, इसके साथ साथ एनिमल्स आप देखते हैं सब आपकी बात सुनते हैं, कुत्ते को आप कहिए खाना खाएंगे तो मुँह करता रहता है, कुत्ते को बिल्ली को लोग समझाते रहते हैं, वो जितनी देर उनसे बड़े प्यार से बात करिए वो आपके पास आएंगे, अगर मान लीजिए कोई चिल्ला कर उनसे बात करें तो कहते हैं मालिक मेरा गुस्सा हो गया, तो वो एनिमल्स हैं। या फिर इसमें से अभी कुछ बात की गई कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हैं जो कई बात को सुनते हैं, आंवला आंवला उसमें वैरायटी में है, आंवले के सामने आपको सब कहना पड़ेगा, वर्ड्स भी बोलना पड़ेगा, आप देखते हैं लेडीज वहाँ पर नाला थी जो है इस तरह के तमाम पूजा स्थल होते हैं, इस तरह के तमाम पेड़ है नीम, इसमें बोलना पड़ता है, आप भी नहीं बोलेंगे तो नीम कुछ नहीं करेगी, आप लोग जा करके अपना बनाते हैं दिल विल सब जो है कुछ नहीं होगा उससे, आप उसे कुछ कहते हैं जा करके तो वहाँ करते रहते हैं, उसका नाम भी उठाते हैं करते रहते कारण में आप देखते हैं कुछ तो सही हो सकता है, एक बार सही लेकिन ये नहीं होगी कपड़ी खीरा में अपना नाम भी खाएंगे बढ़ के
इस प्लांट्स में से लिमिट है, ये सुनते हैं। सूरजमुखी आपकी बात को सुनती है, सूरज निकले उसके सामने आप जो बात करिए सुनती है। तुलसी में भी प्रॉपर्टी पार्ट्स में पाई जाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको भी डेट करती है साथ में, यानी बहुत से प्लांट हमने अभी कहे थे जो सुनते हैं आप, वो तमाम पेड़ सुनते हैं। उसमें पीपल भी है और साथ में उसमें बरगद भी है, ये भी सुनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करता है लेकिन ये सुनता है। इसकी खास बात ये है उस बेड वृक्ष के नीचे अगर कुछ बात बोलेंगे तो उस पत्तियों में डिटेक्ट करने की इसकी क्षमता होती है। नापने का कोई तरीका होगा, कहीं फ्रीक्वेंसी नापी थी पार्ट टू में तो नापी होगी, एसी फ्रीक्वेंसी कैसे नापी थी इलेक्ट्रिसिटी की, रेजोनेंस का कंसीडर इस्तेमाल किया 20 हर्ट्ज या जो भी हर्ट्ज जा रही थी 50 हर्ट्ज थी या कुछ थी, तो आपने उसमें एक कॉलम बनाया, कॉलम से रेजोनेंस कंडीशन में वाइब्रेट कराया, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट किया साउंड वेव में, जब उसके बराबर हो जाती है वो तो वाइब्रेट करती है। यानी एक पत्ती में अगर उसको इसी प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में बात करना तमाम आइसोलेटर हार्ट के लिए आइसोलेटर से लेकर के हार्ट के आइसोलेटर से लेकर के कुछ क्रिस्टल आइसोलेटर तक, क्रिस्टल आइसोलेटर अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मनचाही फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर सकते हैं। यानी कोई मेजर करने का तरीका होगा, कम से कम थर्ड ईयर में एक अल्ट्रासोनिक में रखा हुआ है तो कम ज़्यादा होती, किसी तरह मेजर तो कर ही रहे, कुछ तो लगा हुआ, चलो हमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पढ़ तो सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नापने के तरीके हैं, तो हमारे प्लांट एक मटीरियल है, अगर हम बिजली के तार की फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं तो केले के फल का भी कंडक्टर होता है, उसको नाप सकते हैं, तो आप बिजली भी काट के लगा देंगे तो वो भी पता लग जाएगा। उससे कौन सी बात है, जो हमारे तो कंडक्टर चाहिए था, और अगर आपकी टांग में पैर में कुछ ऐसा होता तो पैर की फ्रीक्वेंसी वालू हो जाए या लिविंग आर्गेनिज्म में। अब आप पूछ सकते हैं कि इंसुलेटर की कैसे निकालेंगे, मेथड से इंसुलेटर की हम क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। हम लगातार पूछते हैं आपकी क्लास में, एक को मिनट चुप नहीं होती है, सोचने वाले इसको कम नहीं करें, ह्यूमन ईयर पर चले मैडम काम नहीं है, तो एक एक चीज़ कर रहे हैं बेचार, जिसमें आप फ्लाइंग बर्ड और फ्लाइंग जो चिड़िया होती हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे बुलाते हैं आ आ आ, चिड़िया आ रही है, छोटे बच्चे को बुलाते हैं लोगों को या किसी को आ जाते हैं, पुलिस वाले से कहिए तो कहता है तुम्हारे चेहरा पर उन्हें दिख रहा, आप देखते हैं ये आर्मी वाला सुनने के पहले ही बंदूक मार देता है। ये सब तमाम कारनामे हैं जो इस साउंड वेव में से होते हैं। विषय आप चलेगा ज़्यादा बीच में, आप लोग क्लास से खत्म हो गया है, क्लास हो सकता है।